आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले यानी कि 24 मार्च 2019 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था IICC जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे है उसके बारे में। IICC का मतलब है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जो कि द्वारका न्यू दिल्ली के सेक्टर 25 में है, जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। वो पार्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फिलहाल अभी कंप्लीटेड नहीं है, पैकेज 2 में आता है द्वारका एक्सप्रेसवे के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा, सो डैट आप उस वीडियो को देखकर IICC के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है और उसका लेआउट क्या होगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। फिलहाल ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो IICC सेंटर है सेक्टर 25 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे, यहाँ पे फिलहाल क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि जो एयरपोर्ट लाइन है मेट्रो का, तो ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से मेट्रो को इस रूट के थ्रू यहाँ तक एक्सटेंड किया जा रहा है। ये बिल्कुल बीचों बीच है IICC के अंदर, तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो किस लेवल पे है और क्या क्या काम हो रहा है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये मैप समझा देता हूँ। ये सेक्टर 22 का ये इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। अगर हम इस पॉइंट से वापस इधर जा रहे हैं तो हम शिव मूर्ति की तरफ चले जाएंगे द्वारका लिंक रोड होते हुए, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का अधूरा पार्ट है जो यहाँ पे आके दिल्ली के साइड में डेड एंड में ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये जो है ये IICC है, ये यहाँ पे धुलसरस चौक है और ये पूरा जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये IICC है। तो अब फिलहाल ये मैप आपने समझ लिया है, मैं अब आपको एक्चुअल फ़ोटो में दिखाता हूँ और फोटो में आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जहां जहां पे मैं मूव कर रहा हूं। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन पे हिट भी कर दीजिएगा, सो डैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें मैं सेक्टर 22 द्वारका से लेकर गुड़गांव की तरफ जाऊंगा, तो ये डायरेक्शन मैं लूँगा और यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे IICC होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 26 है, ये सेक्टर 25 है द्वारका का। और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे का दो लेन या एक लेन का जो भी टूटा फूटा सा रास्ता है जो द्वारका में एंड हो जाता है वहाँ पहुँच जाएंगे। आइए वीडियो दिखाता हूँ। इस समय हम सेक्टर 22 से आगे जा रहे हैं बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के डेड एंड पे दिल्ली साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारा सेक्टर 25 है, IICC है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 26 है द्वारका का, जहाँ पे एक और मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। तो आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों वॉल्स दिख रहे होंगे, ये बाउंड्री वॉल है दोनों तरफ के साइड्स की। तो राइट हैंड साइड में जो आपको ब्लू कलर के बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं वो IICC का बाउंड्री वॉल है। लेफ्ट हैंड साइड का जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है ये वहाँ का बाउंड्री वॉल है, जिससे वो जो एक्टिविटी बाहर से नज़र ना आए उसे कवर किया हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो आपको मेट्रो का बोर्ड भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये वो रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे दो लेन का फिलहाल, जिसे 2007 से लेकर अभी तक ना दिल्ली की गवर्नमेंट बना पाई है ना हरियाणा की गवर्नमेंट बना पाई है। फिलहाल जो पैकेज 2 और पैकेज 1 का फाइल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मेट्रो का बोर्ड दिखना शुरू हो गया होगा। हम अभी राइट हैंड साइड के अंदर जाएंगे और वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या काम चल रहा है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने मेट्रो का कनेक्टिविटी कर दिया होता द्वारका एक्सप्रेसवे में न्यू गुड़गांव की तरफ से, तो ये वही पॉइंट होता जहाँ पे आके मेट्रो की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की तरफ आती और वो सेक्टर 21 में जाके मिल जाती। बट अभी तक ये जो अलाइनमेंट है ये अप्रूव ही नहीं किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर आज तक। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं इस तरफ से जा रहा हूँ यहाँ से, और अब जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाऊँगा। यहाँ पे मैं IICC के अंदर एंटर कर चुका हूँ, ये सेक्टर 25 है द्वारका का। यहाँ से अगर मैं पीछे जाता हूँ तो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाके हिट करूँगा। फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से अब मैं लेफ्ट लूँगा और आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। अब जो आप नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे उसमें मैं इस रास्ते से होता हुआ यहाँ से इस पॉइंट पर आऊँगा।
सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पिलर्स हैं, उनको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कोर वॉल्स बोलते हैं। वो जो ये जो वॉल्स हैं इसके बीच में बिल्कुल खाली है, एक घर के साइज़ का वॉल है, ये एक पिलर है जिसके अंदर काफ़ी सारे एमिनिटीज़ होंगे और इसमें सीढ़ियाँ होंगी, लिफ्ट होंगे ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। और अभी हम जो स्ट्रेट जा रहे हैं यहाँ पे आपको सामने एक ग्रीन कलर का बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा, तो वो मेट्रो का सेक्शन है सेक्टर 25 का। तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे मेट्रो का क्या काम चल रहा है। और ये जो है सेक्शन, ये IICC के अंदर है मेट्रो का। तो आइए आपको मेट्रो का जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अंडरग्राउंड काम कैसे होता है। सामने आप देख सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड जो मेट्रो का टनल होना है, बनना है, ये उसका काम चल रहा है। क्लोजअप भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो जो मेट्रो यहाँ से अगर राइट जाएगी तो वो सेक्टर 21 की तरफ चली जाएगी। और ये बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन होगा ये वो पॉइंट है IICC के अंदर का, ये है सेक्टर 21 जाने का रास्ता। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा, उसके नीचे से फिर सेक्टर 26 का मेट्रो स्टेशन होगा और वहाँ से फिर ये जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी सेक्टर 21 के साथ होगी जो एयरपोर्ट लाइन की है। तो आपको पास से दिखाता हूँ कि कैसा काम चल रहा है। बहुत ही वास्ट है, मैंने भी पहली बार देखा है अंदर आके कि ऐसा काम होता है और इस तरीके से काम किया जाता है। तो आगे आप देख सकते हैं कुछ लेबर्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे लेबर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। ये मेट्रो का सेक्शन है और वहाँ एकदम बिल्कुल एंड में जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ग्रीन या ब्लू कलर का, वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो अभी मैंने आपको क्लोजअप दिखाया, अब मैं दूसरे की तरफ टर्न लेता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो एटली ये जो सेक्शन है इसको इससे पहले वाले सेक्शन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये टनल का काम चल रहा है मेट्रो के। क्लोजअप दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ह्यूज है। बहुत ही ह्यूज है ये काम जो हो रहा है, बहुत ही ह्यूज है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, इतना बड़ा काम होता हुआ। आई एम श्योर जो लोग इसे देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने ऐसा इतना हैवी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं देखा होगा। अब हम बिल्कुल यहाँ से डेड एंड की तरफ जाएंगे, जो आपको सामने दिख रहा है हम उस तरफ जाएंगे। अभी हम इस सेक्शन में थे और अब हम इस सेक्शन से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रुक के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। आगे चलते हैं और जहाँ पे ये ट्रक आगे जा रहा है हम उस सेक्शन में जाते हैं और वो जो ग्रीन आपको एक पट्टी से दिख रही है, बाउंड्री वॉल से दिख रही है, वहाँ पे खड़े होकर सामने और पीछे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फेज़ टू का है, बट मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी हम उस जगह से आए थे जहाँ पे ट्रक है और ये मेट्रो का सेक्शन है, अंडरग्राउंड मेट्रो का। तो अब वापस मैं मुड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है ये एग्जीबिशन हॉल 3 का सेक्शन है, इसे फेज़ 2 में डेवलप किया जाएगा। फिलहाल इसे सरफेस तक लाके कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पे -3 तक का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है। बेसमेंट में 3 लेवल्स होंगे जहाँ पे 25,000 कार्स पार्क होंगी। 3 बेसमेंट है यहाँ पे। बेसमेंट स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है इस पूरे एरिया का। जो मेन सर्विस एरिया है वो ये एग्जीबिशन हॉल 3 के नीचे होगा सारा। तो इस वजह से जो ये फेज़ 2 का काम है वो पहले ही यहाँ पे फेज़ 1 में ही कंप्लीट कर दिया जा रहा है। फेज़ 2 में इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल बनाएंगे। तो फिलहाल जो एग्जीबिशन हॉल बनना है वो सिर्फ एग्जीबिशन हॉल 1 और 2 बनना है फेज़ 1 में। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि हम किस जगह जा रहे हैं। तो अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं यहाँ पे खड़ा था, अब मैं इस पॉइंट से चलता हुआ इस सेक्शन में कहीं पे आऊँगा इस जगह पे। ये सामने जो आपको क्रेन नज़र आ रही है, अब हम इस रास्ते पे जाएंगे और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे और सामने जो आपको दीवार दिख रहा है मिट्टी का, हम इसके पीछे की तरफ जाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे मल्टीपल फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर है जिसे सितंबर 2019 तक बन जाना चाहिए, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि उसका क्या स्टेटस है। तो अभी इस दीवार के हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे।
आइए आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये हमने लेफ्ट ले लिया है और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो सामने आपको कोर वॉल्स दिख रहे होंगे, जो पिलर्स है बड़े बड़े वो दिख रहे होंगे, और हम उस तरफ आगे जाएंगे। और ये जो सेक्शन है ये एग्जीबिशन वन और एग्जीबिशन टू का सेक्शन है। तो पहले एग्जीबिशन टू आएगा, फिर एग्जीबिशन वन आता है। इसी सेक्शन में कहीं पे एक एलिवेटेड फोयर होगा 1 किलोमीटर लंबा। तो फिलहाल वो जो फोयर है वो एग्जीबिशन हॉल वन और टू दोनों को कनेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो कोर वॉल्स हैं इसके बीच में पूरा खाली है, जहाँ पे लिफ्ट का काम होगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी और भी कुछ फैसिलिटीज़ होंगी। यहाँ पे -3 से लेके ग्राउंड फ्लोर तक जो स्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और फिलहाल आप लेबर्स देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रही है। तकरीबन 4000 लेबर है यहाँ पे इस पूरे साइट में जो काम कर रही है। पच्चीस हजार के करीब कार पार्क होंगे यहाँ के बेसमेंट में। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको और इसका क्लोजअप भी दिखाऊंगा सामने से। जब भी आप ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं तो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ जाएं, सेफ्टी गियर्स के साथ जाएं। तो मैं आपको पूरा ये घूम के दिखाता हूँ कि किस तरीके का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स मैं इस रास्ते से दिन में भी जाता हूँ और रात को भी कई बार गया हूँ, तो 24/7 ही यहाँ पे काम चल रहा होता है। घूम कर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं और आगे जाता हूँ और आपको कोर वॉल दिखाता हूँ जिसके अंदर लिफ्ट होगा, सीढ़ियाँ होंगी, वो कैसा है। तो हमारे राइट हैंड साइड में मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ कैमरा भी मूव करूँगा। ये वो वॉल है, काफ़ी ह्यूज है ये। वाइड एंगल मोड जो है कैमरा का वो भी छोटा पड़ रहा था इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ये। और ये सामने का एरिया है, यहीं से वो जो 1 किलोमीटर लंबा फोयर है वो इनके ऊपर ही जाएगा, जो एग्जीबिशन हॉल वन और टू को फ़िलहाल फेज़ वन में कनेक्ट करेगी, और फेज़ टू में वो 3, 4, 5 नंबर्स के जो एग्जीबिशन हॉल होंगे उन्हें भी कनेक्ट करेगी। तो ये वो कोर वॉल्स हैं या जो पिलर्स हैं, आप जब द्वारका से क्रॉस करते हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे से क्रॉस करते हैं तो आप बड़े बड़े पिलर्स देख रहे होंगे, तो ये वो पिलर्स हैं। सामने से बिल्कुल इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके आपको दिखा सकूँ, सो डैट मुझे नहीं पता आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा या नहीं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ तो मेरी यही कोशिश है यहाँ पे। अभी जो आपने वीडियो देखा था वो एग्जीबिशन हॉल वन और एग्जीबिशन हॉल टू का देखा था, और इस सेक्शन में यहाँ पे कहीं मैं खड़ा था। अब यहाँ से चलता हुआ मैं यहाँ ऊपर आऊँगा इस सेक्शन में, और यहाँ से ये पार्ट दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर है, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीट होने का सितंबर 2019, बट जिस तरीके से अभी प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे लगता है कि अगले साल तक ही ये कंप्लीट हो पाएगा। सामने जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लेबर्स थे जो ये काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो काफ़ी बड़ा क्रेन है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा क्रेन कभी इतने पास से नहीं देखा था, तो मुझे मौका मिला तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। तो ये काफ़ी जो ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे ये उठाएंगे, और 6 से 7 घंटे लगते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर को उठाने में यहाँ से और वहाँ जाके दूसरी जगह रखने में। तो ये सेटअप किया जा रहा है अभी फ़िलहाल, बंदोबस्त किया जा रहा है कि इसे कैसे उठाएगा ये क्रेन। अब ये सामने जो आपको कन्वेंशन सेंटर दिख रहा है, हम ठीक इसके पीछे की तरफ जाएंगे और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। तो फिलहाल ये कन्वेंशन सेंटर है और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है, आई थिंक 10 से 15 हज़ार सिटिंग कैपेसिटी है इसका। तो
अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें मैं इस सेक्शन में यहाँ पे खड़ा था। अब मैं यहाँ से होता हुआ ये इस पॉइंट से यहाँ से घूमता हुआ कन्वेंशन सेंटर के पीछे जाऊँगा और यहाँ से आपको वीडियो दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या नज़र आता है। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखा हम उसके ठीक पीछे की तरफ आ गए हैं। एक्चुअली जो मेन एंट्रेंस है वो इसी जगह से मेन एंट्रेंस होगा और ये मल्टीपल फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर जो है ये एक बार में 10,000 लोगों को होस्ट कर सकता है, इतनी बड़ी कैपेसिटी का है। ये इंडिया का बिगेस्ट ऑडिटोरियम है और यहाँ पे एक प्लेनरी हॉल होगा जिसकी कैपेसिटी 6,000 पीपल की होगी। यहाँ पे स्पेशियस प्री फंक्शन एरिया होगा, वीआईपी लॉन्ज होंगे और काफ़ी सारे मीटिंग्स रूम होंगे अलग अलग। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्काई लॉबी होगा जहाँ पे आप ऊपर जाके इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का एक्सपो सेंटर जो है इसका 360 व्यू ले सकते हैं, पूरे शीशे का होगा, ऊपर कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप वहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्रैंड बॉल रूम होगा जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 2,400 लोगों की होगी। कन्वेंशन सेंटर जो है ये यहाँ से कनेक्टेड होगा पांचों एग्जीबिशन हॉल के साथ जो कि 1 किलोमीटर लंबे फोयर के थ्रू कनेक्टेड होगा। ये जो मल्टी फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर है इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेट्रो स्टेशन के साथ भी होगी। एक टनल होगा यहाँ से जिसपे आप वॉक करके जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन तक। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो भी लोग यहाँ एग्जीबिशन देखने आएंगे अपना काम करने के बाद वो डायरेक्टली मेट्रो पकड़ के अपने डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे। अभी मैं फेस कर रहा हूँ गुड़गांव की तरफ और मेरे पीछे जो है वो UER2 है और अभी पीछे की तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। तो ये सर्विसेज का लाइन है। ये जो पूरा टनल जैसा जो भी स्ट्रक्चर है ये 5 किलोमीटर का रेडियस है जो पूरे IICC के चारों तरफ घूम रहा होगा और इस टनल के थ्रू काफ़ी सारे सर्विसेज के लाइंस होंगे, जैसे AC का लाइन होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, मे बी वाटर कनेक्शन होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया। तो जो भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें हों वो सर्विसेज की चीज़ें इसके ही थ्रू फ्लो करेगी पूरे कन्वेंशन सेंटर में। प्लस जो फेज़ 1 बन रहा है उसमें तो ये सर्व करेगी करेगी, प्लस इसको इस तरीके से रेडी किया जा रहा है कि फेज़ 2 में जब बनेगा और जब यहाँ पे होटल्स आएंगे तो होटल्स को अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ होगा जिसमें होटल को सिर्फ ये करना होगा कि उनसे कनेक्टिविटी कर देनी होगी, चाहे सीवेज लाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ और कनेक्शन हो, तो उनको सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ना है बस। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं इसके राइट हैंड इसके बाहर UER2 है और यहाँ से अगर हम पीछे चले जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। अभी जो आपने वीडियो देखा वो इस सेक्शन का था और ये जो लाइन था ये सर्विसेज वाला लाइन था और ये UER2 है जो आपने देखा। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे इस जगह पे और एग्जीबिशन हॉल 1 पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जीबिशन हॉल 1 का एरिया है और यहाँ सामने इस जगह पे ठीक इसके पीछे जो है वो एग्जीबिशन हॉल 2 होगा। जो यहाँ पे 5 एग्जीबिशन हॉल है उसमें से फेज़ 1 में एग्जीबिशन हॉल 1 और 2 है सिर्फ, और फेज़ 2 में 3, 4, 5 एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसका जो पूरा एरिया है वो 270,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप स्पेस होगा। अब हम एग्जीबिशन हॉल 1 के एरिया से पीछे होते हुए यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और ये एग्जीबिशन हॉल 2 है, फिर यहाँ पे ये सर्विस वाला एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था इस पॉइंट से, और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये धुलसिरस चौक है। तो अभी हम पीछे की तरफ आ गए हैं और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि एग्जीबिशन हॉल 1 और एग्जीबिशन हॉल 2 वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, जो लेबर काम कर रहे हैं, या इस तरफ का जो एंगल है हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। और अब हम अगर बात करते हैं हमारे राइट हैंड साइड में तो धुलसिरस चौक वाला रास्ता है हमारे राइट हैंड साइड में, और यहीं से थोड़ा आगे जाके अगर हम राइट की तरफ देखें तो वहाँ पे ही फाउंडेशन स्टोन हुआ था द्वारका एक्सप्रेसवे का। और यहाँ से जो हम सीधा स्ट्रेट देख रहे हैं तो जहाँ IICC का बाउंड्री वॉल होगा आगे जाकर वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो आप बड़े बड़े बोल्डर्स देख रहे हैं जो आयरन रॉड्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, इन्हीं से ही ये एग्जीबिशन हॉल और ये सारा बन रहा है। अब हमारे पीछे जितने भी लैंड है यहाँ पे उसको गवर्नमेंट एक्वायर करने में लगी हुई है फिलहाल। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल 1 का एरिया ख़त्म होता है और एग्जीबिशन हॉल 2 का एरिया यहाँ से शुरू होता है। एग्जीबिशन हॉल 3 जो है वो फेज़ 2 का पार्ट है
बट उसमें जो बेसमेंट है -1, -2 और -3 जो बेसमेंट है और वहाँ जो सर्विसेज होंगी उसे अभी ही रेडी कर दिया जा रहा है, सो दैट कल को जब यहाँ पे फेज़ टू में होटल्स आएँ और यहाँ पे ऑफिसेज आएँ और यहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल आए या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी हो तो उनको अपने एक्स्ट्रा सर्विसेज बनाने की ज़रूरत ना हो, सब कुछ ऑलरेडी रेडी होगा उनके लिए, उनको बस आके अपना सेटअप करना है और यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उनके साथ अपने लाइन को अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे लंच टाइम हुआ था तो सारे लेबर लंच करने जा रहे थे, काफ़ी धूप थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था। इस पॉइंट से एग्जीबिशन हॉल 2 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से राइट हैंड साइड से एग्जीबिशन हॉल 3 शुरू हो जाएगा और बिल्कुल इसके एक्सट्रीम एंड पे वहाँ से मैंने वीडियो लिया था पहले और आपको दिखाया था, अब मैं इसके बिल्कुल इस एंड पे आ गया हूँ और यहाँ से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सर्विसेज का एरिया डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे -1, -2, -3 यहाँ पे वो एरिया डेवलप किया जा रहा है जहाँ से सारी सर्विसेज को मैनेज किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद नहीं भी आया तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आएगा उस बटन पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा सो डैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं या जो भी इन्फॉर्मेशन डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उस वीडियो को इजीली देख सकें, और इस वीडियो को आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा सो डैट ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। अब मैं इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप उन वीडियोज़ को देख के और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के बारे में।